नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियो शेपर के बारे में। इस लेक्चर के दौरान हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हमारे सामने है पियानो की लूप, पहले सुनते हैं। बहुत बढ़िया, एक नंबर चैनल में गए और वहां पर मैंने ले लिया एक स्टीरियो शेपर। स्टीरियो शेपर बहुत ही सिंपल इसका इंटरफेस है। यहां पर हमें फेडर्स दिए गए हैं जो लेफ्ट और राइट को बताते हैं किस तरह से, अभी हम इसे देखेंगे। इसके अलावा हमें यहां पर दो नॉब्स दी गई हैं जो डिले इफेक्ट है, यानी कि मेरा लेफ्ट चैनल और मेरा राइट चैनल दोनों में जो आउटपुट आ रही है उसमें थोड़ा डिले आ जाता है लेफ्ट या राइट मूव करने से, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और यहां पर हमें एक फेज नॉब है, प्री एंड पोस्ट। पोस्ट यानी जो मेरा सिग्नल है या पियानो कह लीजिए, ये पहले मेरे मिक्सर मैट्रिक्स में गया, उसके बाद इन नॉब से गया और फिर आउटपुट, या फिर प्री, पहले ये इफेक्ट्स लगे उसके बाद वो मिक्सर मैट्रिक्स में गया, राइट। तो ये प्री और पोस्ट का डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है इन स्लैश आउट डिफरेंस। ये क्या काम आता है? ये मेरा मिड साइड प्रोसेसिंग के काम आता है, जो इस लेक्चर में थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें या राइट क्लिक करें तो बहुत सारे हमें यहाँ पर प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं जो आप अलग अलग साउंड्स के ऊपर हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सर मैट्रिक्स ये क्या चीज़ है। ये जो दो यहाँ पर लेफ्ट हैं ये लेफ्ट का बता रहे हैं, दो यहाँ पर दो राइट हैं वो राइट इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो बीच वाले हैं 00 वॉल्यूम पे हैं, कहीं भी हम लेकर जाएंगे तो आप हिंट पैनल को देखते रहेंगे। ये मेरा लेफ्ट वॉल्यूम है, सिंपली मेरे लेफ्ट चैनल का, लेफ्ट बंद हो गया, राइट क्लिक रीसेट, दोनों सुन रहे हैं, राइट बंद, अकेला लेफ्ट रह गया और दोनों आ गए। इसके अलावा जो ये मेरा राइट है, जैसे ही मैं इसे बढ़ाता जाता हूं ये मेरे लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है, और जो मेरा लेफ्ट है ये जो वॉल्यूम है ये मेरे सिग्नल को राइट साइड की तरफ पुश कर रहा है। किस तरह से, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट वाले को थोड़ा सा बढ़ाऊं, अभी वॉल्यूम फिलहाल जहां है वैसा ही है, जैसे मैं इसे बढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि लेफ्ट साइड पे थोड़ी मैंने पैनिंग कर दी है। हेडफोन्स प्लीज, हेडफोन्स नहीं समझ आएगा ये लेक्चर बिना हेडफोन्स के। राइट, तो जैसे मैंने लेफ्ट या राइट बढ़ाया आपको लगा होगा हल्की हल्की सटल सी पैनिंग लेफ्ट या राइट साइड पे होने लग गई। बहुत बढ़िया, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज की। ये डिले नॉब क्या है? अगर मैं इसे थोड़ा सा राइट साइड पे करता हूं कितना, हिंट पैनल में वो बता रहा है 2.2 मिलीसेकंड, यानी कि जो मेरी साउंड है, गाना है, पियानो की लूप है, लेफ्ट चैनल में पहले आएगी और 2.2 मिलीसेकंड्स लेट राइट साइड पे आएगी। नहीं पता लगा क्यों? क्योंकि 4 मिलीसेकंड तक हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता। 4 मिलीसेकंड उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 0 सेकंड ही होता है। तो मैं क्या करता हूं, एग्जैजरेट करते हैं और बिल्कुल राइट साइड पे कंप्लीट ले गया। हिंट पैनल में क्या लिखा है, टॉप लेफ्ट पे 500 मिलीसेकंड, यानी कि आधा सेकंड, एक सेकंड 1000 मिलीसेकंड के बराबर होता है। यानी कि पहले जो साउंड है मेरे लेफ्ट चैनल में आएगी, हेडफोन्स पहने रखिए, लेफ्ट चैनल में आएगी और आधा सेकंड बाद वो लेट राइट में आएगी। आइए सुनते हैं। सेम गोज फॉर दिस साइड, पहले राइट साइड आएगी और आधा सेकंड लेट वो लेफ्ट साइड में आएगी। तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, काफी लेट हो गया, इतना नहीं होना चाहिए, अलग अलग सुन रही है। तो मैं कुछ इतना सा कर दूं कि लेट रहे लेकिन हमें आइडिया सा ऐसा लगे कि शायद बराबर टाइम पे ही चल रही है। राइट, तो अब हमें सुनने में थोड़ी वाइड फील भी आ गई है, लेकिन हमने 8-10 मिलीसेकंड जो है दोनों की आउटपुट में टाइम का डिफरेंस भी ले आए हैं। ये क्या चीज हो रही है? ये हाज इफेक्ट हो रहा है। YouTube पे सर्च करेंगे HAAS हाज इफेक्ट, देव नेक्स्ट लेवल, आपको पूरा बता दिया जाएगा हाज इफेक्ट क्या है, प्रेसिडेंट इफेक्ट भी उसे कहते हैं, मेरा ही लेक्चर वहां पर आ जाएगा।
लेकिन जब भी हमें इस तरह की चीज़ें छेड़नी हैं, मुझे स्टीरियो लेफ्ट या राइट करने हैं, या मुझे फेज, ये फेज क्या है, कलर चेंज करता है, फेज चेंज करता है, तो अगर इस तरह की मुझे नॉब कभी भी चेंज करनी है तो मुझे कोरिलेशन मीटर अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम अभी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये नीचे की तरफ क्या है, फेज़ इन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं उल्टा जाना शुरू हो जाऊं तो माइनस, फेज़ इन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फेज़ क्या चीज़ है, अगेन यूट्यूब पे जाएंगे, PHASE फेज़, देव नेक्स्ट लेवल, फेज़ के ऊपर पूरा लेक्चर आ जाएगा और आप समझ जाएंगे फेज़ क्या चीज़ है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्टीरियो शेपर की। मिक्सर में गए और मैं ले लेता हूँ एक फ्री VST स्पैन, वॉक्सैंगो स्पैन, एक फ्री VST है। RMS बता देता है, क्लिपिंग हो रही है, ट्रू पीक, काफ़ी चीज़ें बताता है। मुझे उसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ चाहिए कोरिलेशन मीटर, जो आप बहुत सारे अलग अलग मीटरिंग VSTs यूज़ करते होंगे। शायद आप वेव्स के प्लगइन यूज़ कर रहे हैं या T-Rex के कर रहे हैं, तो सबके अंदर एक मीटर प्लगइन होता है जो कि कोरिलेशन बताता है। जीरो अगर ये प्लस साइड पे है, यानी कि मोनो कंपैटिबल है, मतलब कि स्टीरियो में भी अच्छा सुन रहा है, मोनो में भी सेम सुन रहा है। लेकिन अगर ये माइनस साइड पे जाना शुरू हो जाए सिग्नल, इसका मतलब मोनो कंपैटिबिलिटी नहीं है। आपको जो साउंड स्टीरियो में बहुत अच्छी सुन रही है, मोनो में वैसी नहीं सुनेगी, काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज दब जाएंगी। आइए सुनते हैं किस तरह से। रीसेट, सब कुछ रीसेट, ठीक है, एकदम राइट साइड पे चल रहा है, बहुत बढ़िया। मैं जैसे ही दोनों स्टीरियो जो है डिले करना शुरू करता हूँ, चलिए लेफ्ट साइड पर डिले करते हैं, साथ में हम कोरिलेशन मीटर देखेंगे। ये देखिए लेफ्ट राइट होना शुरू हो गया, यानी जिन भी नोट्स पे जिस वक्त पे वो लेफ्ट हुआ वो मोनो कंपैटिबल नहीं है, यानी कि अब मेरी जो पियानो लूप है ये मोनो कंपैटिबल नहीं रही। अब इसका मतलब क्या हुआ मोनो कंपैटिबल का, मैं यहां आता हूं, मास्टर पे जाता हूं, यहां हमारे पास एक नॉब दी गई है। अगर मैं बिल्कुल राइट साइड कर दूं, हिंट पैनल में देखेंगे, स्टीरियो मर्ज हो गई, एकदम मोनो हो गई, और अगर बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाएं तो स्टीरियो सेपरेट हो गया, एकदम वाइड हो गई। रीसेट, जो पहले था बिल्कुल राइट, मोनो। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या सुनता है और मोनो स्पीकर्स में या मोनो मोबाइल फोन्स में लोग जो सुनेंगे उन्हें ये लूप कैसी सुनेगी जब मैंने इतना डिले दे दिया। आप देख रहे हैं कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज दब जाती हैं जब वो मोनो हो रहा है, क्यों, क्योंकि मोनो कंपैटिबल नहीं है। इस वजह से, क्योंकि इशू आ गए हैं, वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, हिट एंड ट्रायल। मुझे फेज के नॉब को भी लेफ्ट राइट थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और इसको भी ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसी पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट कि लेफ्ट साइड नहीं वो प्लस वन की तरफ ही सिग्नल करे। ये देखिए अब वो वाला नोट जैसे मैंने थोड़ा फेज किया, चलिए इतना ही रखते हैं, तो अब ये राइट साइड की तरफ जाना शुरू हो गया, यानी वापस ये मोनो कंपैटिबल हो गया है। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये पूरी दुनिया और कायनात में सिर्फ इस पर्टिकुलर लूप पर ही ये सेटिंग बैठती है कि मैंने डिले, स्टीरियो डिले थोड़ा इतना कर दिया और फेस थोड़ा इतना कर दिया कि वो मोनो कंपैटिबल हो गया। कोई भी साउंड चेंज करेंगे अगेन आपको ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं इसे रीसेट करता हूँ, इसे -6 पे ले आते हैं, इसे भी -6 पर ले आते हैं, इसे मैं +6 पर ले गया, और सॉरी -6 पे उठा के इसे भी ऊपर उठा के -6 पर आ गए। नाउ दिस हैज बिकम मोनो। तो अब मैं यहां पर क्या करना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मिड साइड प्रोसेसिंग। बहुत सारे बिगनर्स को मिड साइड में मिड से कंफ्यूजन होती है कि शायद वो मिड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, लो मिड हाई, नहीं, हम यहां फिल्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। मिड साइड का मतलब है मिडल और साइड चैनल, मिडल यानी मोनो, साइड यानी स्टीरियो। मैंने इसे कर दिया वापस से जीरो, नीचे इन्फिनिटी, और इसे भी एकदम नीचे ले गए, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां गए, रीनेम किया मिड, यहां गए रीनेम किया साइड, और यहां गए, इधर गए, राइट क्लिक किया, तीसरी ऑप्शन साइड चेन टू दिस ट्रैक, और यहां पर अब हम आए इन स्लैश आउट, इसको मैंने दे दिया क्योंकि सेकंड में मैंने साइड चेन किया है तो सेकंड। सुनते हैं क्या डिफरेंस है, पहले से एकदम जीरो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले था वैसे ही सुन रहा है, यहां पर तो कुछ नहीं आ रहा।
अब भी एग्जैक्टली सेम सुन रहा है, लेकिन अगर आप देखें मैंने जो यहां से राइट वॉल्यूम बंद किया वो मेरे साइड में चला गया, सिर्फ यहां पर हम लेफ्ट जो आप सुन रहे हैं वो इसके अंदर है और जो राइट सुन रहे हैं वो इसके अंदर है। यानी फिलहाल आप लेफ्ट चैनल और राइट चैनल दोनों को अलग अलग प्रोसेस कर सकते हैं, मगर मुझे तो चाहिए इसके अंदर मोनो और इसके अंदर स्टीरियो। कर देते हैं इसे -6, इसे भी कर दिया -6 जैसे हमने पहले किया था। चलो अगेन -6 एंड अगेन हाफ पे -6। नाउ लेट्स सी, वॉल्यूम वही है, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन ये देखिए अकेला ये क्या सुन रहा है। और ये इसके अंदर स्टीरियो सुन रहे हैं, इसके अंदर मोनो सुन रहे हैं। इसी पियानो की लूप को या इसी सॉन्ग को, इसी मिक्स को, जो भी आप कह सके, इसको हमने डिवाइड कर दिया है दो अलग अलग चैनल्स में, दो मिक्सर चैनल्स में, जिसके अंदर एक में सिर्फ मोनो सिग्नल है, एक में सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो सिग्नल है। आप मोनो और स्टीरियो को सेपरेटली प्रोसेस कर सकते हैं, कितनी ही बढ़िया बात है। अब देखिए मैं यहां जाता हूं, मोनो स्टीरियो को मैंने एकदम ऑफ कर दिया, कोरिलेशन मीटर देखते हैं, एकदम 1 के साथ चिपका हुआ, परफेक्ट। वो कह रहा है कि फेजिंग इशू है ही नहीं, रीजन क्योंकि है ही मोनो, स्टीरियो तो मैंने बीच में से निकाल ही दिया है, अब सिर्फ हम मोनो सुन रहे हैं। ये देखिए राइट, तो कितना ही अच्छा प्लगइन आप इसके साथ अपने किसी इंस्ट्रूमेंट को या अपने पूरे मिक्स को वाइड कर सकते हैं। जब भी आपको वाइड करना है, स्टीरियो इमेज के साथ कुछ खेलना है, पूरा भरा हुआ मेरी ओवरऑल साउंड सुने, कीजिए, हिट एंड ट्रायल कीजिए, प्रीसेट्स यूज कीजिए, मगर थोड़ी सी इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, साथ में कोरिलेशन मीटर देखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एफ एस स्टूडियो का ही लेक्चर नहीं था, ये एक ओवरऑल ऑडियो इंजीनियरिंग का था, आपके काफ़ी लाइफ में ये काम आने वाला है। देव नेक्स्ट लेवल बीट्स मेरा नया चैनल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5,000 ही हुए हैं, इसके ऊपर पेड और फ्री दोनों बीट्स हैं, तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फ्री बीट है और पेड बीट भी काफ़ी है, ये भी फ्री बीट है राइट। मेरा मेन चैनल देव नेक्स्ट लेवल, इसे तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन टू सपोर्ट द चैनल, और instagram.com/devnextlevel मेरे सारे अपडेट्स यहीं पर आते हैं, तो यहाँ तो ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।